हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट नहीं करवाना है। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके ग्रेट, एस ऑफ वैंड, द चेरॉइड, ग्रेट, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ है एंड टावर। ओके एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइंस जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, बट एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये जोडियक साइंस है। अभी और जोडियक साइंस निकालेंगे तो और जोडियक निकल कर आएंगे और कार्ड जब हम पिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप एनर्जी से कनेक्ट करें। चलिए तो देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके, इज 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है गाइज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है ये दोनों। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना एक, आप देख रहे हो यहाँ पर इस कार्ड को देखिए, ये पर्सन एक शेल में है, अपनी कंफर्ट जोन में नजर आ रहा है ये पर्सन। यू नो, ये पर्सन सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही नहीं है, बल्कि मैं देख रही हूँ कि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये अपने थॉट पैटर्न में भी है, अपने भ्रम में है, अपने इल्यूजन में नजर आ रहा है मुझे पर्सन। यानी पता है, इस पर्सन को ना भ्रम है इस चीज का, उन्हें लगता है कि या तो आप लॉयल नहीं हो या आप ऑनेस्ट नहीं हो। उन्हें लगता है कि आपका इंटरेस्ट, आपका एंथुजियाज्म इनके अंदर खत्म हो चुका है। ये चीजें सच नहीं है, है ना, ये चीजें सच नहीं है। आप तो इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन अपने भ्रम में है, अपने इल्यूजन्स में नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, जहां पर इन्होंने ओवर थिंकिंग कर करके एक ऐसे भ्रम में ये पर्सन आ गए हैं, एक ऐसे इल्यूजन में ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये चीजों को बहुत ही गलत नजरिए से देख रहे हैं, जहां पर इनको लग रहा है वो चीजें सच लग रही हैं जो सच है भी नहीं। और मैं इसी के साथ यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है 7 ऑफ वैंड्स की, जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने उस इल्यूजन से बाहर भी निकल रहे हैं। यानी ये पर्सन इस चीज को अब रियलाइज करने वाले हैं आज के दिन कि जो भी ये सोच रहे हैं वो चीजें सच नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। उन्हें अपने भ्रम से, अपने उस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। तो ये पर्सन स्पेशली अपने उस इल्यूजन में, उन भ्रम में कहीं ना कहीं है, और इन्हीं इल्यूजन्स की वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते हैं आपकी तरफ, ये पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं इस कनेक्शन में। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो ना कि जब ये पर्सन इतना प्यार करता है, और मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्शंस नहीं ले रहे हैं, राइट? तो इसकी एनर्जी यही देखने को मिल रही है, जहां पर ये पर्सन एक इल्यूजन्स में है, अपने भ्रम में है, अपने थॉट्स में है ये पर्सन, और उन थॉट्स को ये सच मानकर बैठे हुए थे अभी तक। अभी तक ये उन चीजों को सच मानकर बैठे थे कि वही चीजें सही हैं जो ये सोच रहे हैं, ये रियलिटी को फेस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलिटी को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो कितना करेज आ गया इनके अंदर, ये एनर्जी है जहां पर कितने करेजियस हैं आपके पार्टनर, करेज आ गया इनके अंदर, जहां पर अब ये रियलिटी सच को देख पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जो आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, उस गैप की कहीं ना कहीं वजह ये खुद ही है। ये दूरियां, एक वॉल आ गई है ना अब दोनों के बीच में, गैप्स आ गए हैं अब दोनों के बीच में, उसकी वजह ये खुद है। अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज होती जाएंगी।
ओके तो मुझे सबसे पहले तो ये पर्सन अपने उन भ्रम में दिख रहे हैं, अपने उन इल्यूजन्स में नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। ओके प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ वैंड को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है हर्मिट। ओके हर्मिट क्या दिखाता है, हर्मिट दिखाता है एक आइसोलेशन का टाइम पीरियड, यानी ये पर्सन अपने आइसोलेशन में है, अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। और एस ऑफ वैंड दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद अकेले पड़ गए हैं, अकेले हो गए हैं, अपने आप को अकेला कर दिया है इन्होंने और ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। साथ ही साथ इनके कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी हो सकते हैं। इन्हें लगता है कि ये अपने पास्ट ट्रॉमास में कहीं ना कहीं रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे या कुछ चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा इन्होंने, है ना। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने, ये तो अपने पास्ट ट्रॉमास में थे जिसकी वजह से ये बहुत टॉक्सिक हो गए थे, बहुत ज्यादा नार्सिस्ट हो गए थे और इन्होंने अपने बिहेवियर से आपको कितना ज्यादा चोट पहुंचाई, कितना ज्यादा हर्ट कर दिया, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि देखो आपको आज भी विश्वास है इन पर, आपको आज भी विश्वास है, उम्मीद है कि ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। आप इस चीज पर भरोसा रखते हो, आप इस चीज पर विश्वास रखते हो, आपने अभी भी गिव अप नहीं करा। मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर, नहीं सोचते हो इनके बारे में, लेकिन आज भी आपने गिव अप नहीं करा। बैक ऑफ द माइंड आज भी आपको वेट है उनके कॉल का, उनके मैसेज का कि वो पर्सन आपको अप्रोच करें, शायद इसलिए तो आप आज ये रीडिंग भी देख रहे हो, है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, जिसका भी नाम आपने लिया है इस रीडिंग से पहले, मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन ना इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ जो भी उन्होंने आपको हर्ट करा वो उनके पास्ट ट्रॉमास की वजह से था, क्योंकि उन्होंने पास्ट में वो चीजें देखी हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत गलत रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर और उनकी गलत सोच की वजह से उन्होंने आपको गलत महसूस करवाया, आपको आपको सफर करवाया, आपको चोट पहुंचाई और अब वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको दुखी देना चाहते हैं, नहीं, वो अब इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आगे लेकर चलना चाहते हैं, आपको अश्योरेंस दिलाना चाहते हैं कि अब वो उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे जिन चीजों को वो पास्ट में रिपीट करते आए हैं, ठीक है। तो वो अब इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के बारे में भी सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यस, एस ऑफ वैंड की एनर्जी अगेन यही चीज दिखा रही है कि जैसे आप गुस्सा हो, वैंड फायर की एनर्जी है, जैसे आप गुस्सा हो, आप नाराज हो उनसे, और हर्मिट की एनर्जी ये बताती है कि वो आपके गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं। चेरॉइड देख लेते हैं। चेरॉइड एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखाता है, तो हो सकता है कि आप में से 30-40% लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सो आप लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से मिले, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो यस, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, साथ ही साथ बहुत समय हो चुका है जहां पर आप दोनों सेपरेटेड हो, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हो। अब यहां पर पता है मैं क्या एनर्जी देख रही हूँ, देखो स्ट्रेंथ अगेन, करेज मुझे उनके अंदर नजर आ रहा है। आई डोंट नो बट आज उनकी कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसा ऑरा, ऐसी वाइब्स हैं जहां पर उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, उनके अंदर बहुत बहुत करेज आ रहा है चीजों को लेकर, यू नो। अभी तक पता है क्या चीज थी, अभी तक ये पर्सन ये फील करते हैं कि ये ना एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं थे, एक स्टेबल एनर्जी नहीं थी आपके पार्टनर की। ये स्टेबल एनर्जी में जब तक नहीं होता ना कोई पर्सन, तो वो सही डिसीजंस नहीं ले सकता, तो वो बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी में नहीं रहे हैं। आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देना, मिक्स फीलिंग्स दिखाना, कभी बहुत प्यार दिखाना तो कभी बिल्कुल बिल्कुल प्यार नहीं दिखाना और बिल्कुल इग्नोर करना आपको, तो कभी भी ये एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं रहे, स्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं रहे। लेकिन और इन्हें पता है कि इनकी स्टेबल एनर्जी में ना रहने की वजह से आप कितना ज्यादा हर्ट हुए हो, है ना, क्योंकि ये पर्सन स्टेबल एनर्जी में नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, ये खुद भी कोई डिसीजंस नहीं ले पाए, है ना, और आपको बहुत हर्ट कर दिया। इन्हें लगता है कि ये अपनी स्टेबल एनर्जी में नहीं रह पाए ना, शायद इसी वजह से ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे, बहुत इगोइस्टिक हो गए थे, प्राइडफुल हो गए थे ये पर्सन। और मैं देख रही हूँ कि अब ये वर्क करना चाहते हैं, इन चीजों पर ये वर्क करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखा रही है कि ये अपने ईगो पर, अपने प्राइड पर अब काम करना चाहते हैं, ओके, और ये अपनी ईगो, अपनी प्राइड को अब दूर कर देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
और आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, तो यस ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ईगो अपने प्राइड पर वर्क कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इन्हें पता है क्या लगता है, जो मैं इस कार्ड को एकदम होल्ड कर जो मुझे एक फीलिंग आई ना, वॉज लाइक इट्स नॉट इन द कार्ड बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके सामने कई बार ना ऐसा बिहेव कर देते हैं जो वो करना भी नहीं चाहते। ठीक है, कई बार वो आपके सामने लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, कई बार वो आपके सामने ऐसा बिहेव कर देते हैं जो वो करना भी नहीं चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ इन्होंने जो भी करा वो कितना गलत था। ठीक है, क्योंकि आपके सामने वो एक होता है ना कि इनका आपा खो जाता है, इनका ये बदल जाते हैं आपके सामने, आपके सामने ये कुछ भी अगर सोच कर आएंगे ना कि आज आपके सामने ऐसा करेंगे, वो कुछ भी वैसा नहीं कर पाते। ओके, सो लिटरली सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, इन्होंने बहुत लिमिट क्रॉस करी है, एंड यस वो इन्होंने जानबूझकर नहीं करी है, जैसे वो चीजें खुद ब खुद इनसे हो जाती हैं। एस ऑफ सोच की एनर्जी को अगेन सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, सी टू ऑफ सोच की एनर्जी अगेन दिखा रहा है कि स्टेबल एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर। जब तक हम स्टेबल एनर्जी में नहीं होते तब तक हम कोई डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं मुझे। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना, अब देखो आपको अश्योरेंस जैसे दिलाना चाहते हैं, एस ऑफ सोल्स एश्योरेंस दिलाना चाहते हैं आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये अपने प्यार को आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं ये कि ये जो भी कुछ करके आए हैं ना, ठीक है, वो सब कुछ अब ये नहीं रिपीट करेंगे, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं उन चीजों के लिए। ठीक है, ये अपने आप को आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, अपने प्यार को आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, एक स्टेबल एनर्जी में भी आते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ये अश्योरेंस दिलाना चाहते हैं आपको कि अब ये चीजों को सही कर देंगे, ठीक कर देंगे, बस इन्हें अब आपका साथ चाहिए। ओके, सो ये आपको ये अश्योरेंस भी दिलाना चाहते हैं। सो यस, ये इस टू ऑफ सोच की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ये अपनी स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, एंड क्वीन ऑफ सोच अगेन सोच की एनर्जी है, इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, फोर ऑफ कप्स। ओके, सो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपके विश्वास को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, है ना। ये सब चीजें उन्होंने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि कुछ तो इनके कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो इनके दिल में थी, जो इनके दिमाग में थी, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हो सकता है स्टार्टिंग से ही इस पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी आपको लेकर, स्टार्टिंग से ही इस पर्सन के अंदर बहुत पोजेसिवनेस रही है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी वो इनसिक्योरिटी, वो पोजेसिवनेस आपको नहीं दिखा पाए। और वो पोजेसिवनेस, वो इनसिक्योरिटी कहाँ से आई, वो पोजेसिवनेस, वो इनसिक्योरिटी इनके पास्ट रिलेशनशिप से आई है, इनके पास्ट से निकल कर आई है ना। तो वो चीजें ये आपके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और अगर ये इनसिक्योर फील करते थे, पोजेसिव फील करते थे, तो अपनी उस इनसिक्योरिटी, अपनी उस पोजेसिवनेस को हाइड करने के लिए ये पर्सन टॉक्सिक हो जाता था, ये नार्सिसिस्ट बन जाते थे, और आपको लगता था ये पर्सन एकदम बदल गया, ये गुस्से में एकदम बदल जाते हैं, ये पर्सन एकदम चेंज हो जाते हैं और आपको हर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसी बातें कर देते हैं जो आपको हर्ट कर जाती हैं। आप काफी स्वीट वॉइस हो सकती है आपकी, या आप हो सकते हो बहुत स्वीटली आप बात करते हो, लेकिन आपके पार्टनर ना कई बार बहुत कड़वा बोल देते हैं आपसे, उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, राइट। तो चले अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट। ओके ग्रेट, ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन एफर्ट्स डालने चाहते हैं। अगर ये पहले एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, एक गिविंग एनर्जी में नहीं थे आपके पार्टनर, आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पा रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। उन्हें लगता है कि अब सिर्फ उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप एफर्ट्स नहीं डालने वाले उस कनेक्शन में, इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया आपको और ये जानते हैं कि अब आप एफर्ट्स तो नहीं डालने वाले हो,
तो यस एफर्ट्स इन्हें डालने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को ये चाहते हैं। फिर भी ये यही चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, आप मैसेज करो इन्हें, आप इनसे बात करो सामने आकर, ठीक है। ये आपके सामने आकर आपसे बात करने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखाता है, पता है क्या चीज है ना, आप दोनों में काफी आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स रही हैं। आप उन्हें बहुत बहुत कंप्लेन्स करते थे, या तो यस दैट इज द एनर्जी जहां पर आप बहुत ज्यादा कंप्लेन्स करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर ना समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को भी समझना चाहिए, उन्हें थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके तरीके से भी उन्हें सोचना चाहिए। यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट, कि अगर वो आपके तरह आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए, आपके तरीके से चीजों को देख पाए, तो वही तो अंडरस्टैंडिंग होती है। और उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा इस कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उन्हें होना चाहिए और आपकी चीजों को भी समझना चाहिए, ठीक है। अभी तक उन्हें आपकी कंप्लेन्स, आपकी बातें जो है गलत लगती थी, चुभती थी उन्हें, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज का भी एहसास कर पा रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए चीजों को, और एक अंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में डेवलप करनी चाहिए। आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्लैश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि आर्ग्यूमेंट से अच्छा है कि चीजों को बैठकर क्लियर करा जाए, सॉल्व करा जाए और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा जाए। तो यस, काफी फ्लेक्सिबल भी होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। टावर की एनर्जी है यहाँ पर, चीटिंग हुई है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली, खुद आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी थी आपको, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ रीजंस नहीं दिए, कुछ नहीं बताया, सीधा आपसे बात बंद कर दी हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है इन्होंने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए चीट कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस समय तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा था कि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आपके बिना वो जी लेंगे, आपको भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब उन्हें रियलिटी फेस करने का टाइम आया ना, ठीक है, जब वाकई में उन्हें आपके बिना रहना पड़ रहा है अब सेपरेशन के टाइम पीरियड में, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी वो सोचते थे वो गलत था, जो भी उनके पास डिसीजंस थे वो गलत थे, उन्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और स्पेशली अगर वो किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कोई रोमांटिक पर्सन, कोई भी हो सकता है, तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको सेपरेशन दिया है ना, तो उन्होंने बहुत गलत करा है, उन्होंने बहुत ज्यादा गलत करा है। सो वो चीज आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें आपके साथ सेपरेशन नहीं करना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने डायरेक्टली आकर आपसे स्पेस मांगा, उन्होंने कहा कि अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इस कनेक्शन के बारे में अब सोचना चाहता हूँ, या फिर उन्होंने डायरेक्टली आपको मना कर दिया कि मैं इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये चीजें आपके लिए बहुत हर्ट ब्रेकिंग थी। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ कप, ओके। ये पर्सन आप देखो, इस कार्ड को आप देखो, आप तभी फील कर पाओगे। देखो ये पर्सन भाग कर, जैसे इस कार्ड को देखकर आपको लगेगा जैसे ये पर्सन भाग कर आपके पास आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये इनकी रियल इंटेंशंस है आपके लिए। आप देखो, खुद कार्ड में देखो, इसे फील करो, ये इनकी रियल इंटेंशंस है आपके लिए। जैसे इन्हें लग रहा है कि ये भाग कर आए आपके पास और आपको कुछ ऑफर करें, हायर कमिटमेंट्स दे। ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन में, डिलेमा में रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, ये पर्सन स्टेबल एनर्जी में नहीं थे और ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि इनका दिल क्या कह रहा है, इनका दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने दिल के हिसाब से चलूं या अपने दिमाग के हिसाब से चलूं। और ये वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्होंने अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए, अपने दिमाग से सोचकर ये पर्सन चले। लेकिन अब इन्हें लगता है कि जो भी इन्होंने करा ना, ये बहुत पछता रहे हैं उन चीजों के लिए, ठीक है, उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें पता लगता है कि ये जो रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया ना, ठीक है, हर समय आर्ग्यूमेंट्स होना, आप दोनों के बीच में फाइट्स होना, ठीक है, एक दूसरे को समय ना देना, टाइम ना देना एक दूसरे को, ठीक है, और ये चीजें जो आप दोनों के रिश्ते में हो रही है ना, उन्हें लगता है ये सब चीजें इसलिए आपके रिश्ते में हुई क्योंकि इनकी गलती थी, है ना। अगर ये शायद सही तरीके से चलते, इस रिश्ते को सही तरीके से चलाते, तो शायद ये चीजें आती ही नहीं इस रिश्ते में। तो यस, ये उन चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जहां पर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी करा वो गलत था। ओके, नेक्स्ट लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में।
सबसे पहले यहां पर एनर्जी है सप्रेशन, फ्लावरिंग. ओके, आई होप सो माई माइक इज फाइन. मुझे अगेन एंड अगेन चेक करना पड़ता है अपना माइक, क्योंकि दो बार मेरी वीडियोस में ऐसा हो चुका है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दी आपने भी, और बाद में मुझे पता चला कि वॉइस ही नहीं आई उसमें मेरी, है ना. तो इसलिए मुझे बार बार माइक चेक करना पड़ता है इसमें. आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट या. और आप लोगों ने अभी तक कंप्लेन करी थी, मुझे पता है मेरी एक वीडियो ऐसी थी जिसमें हाफ मेरी वीडियो में तो वॉइस थी और हाफ वीडियो मेरी ऐसी थी जिसमें बिल्कुल वॉइस नहीं थी. एंड बाद में वो मुझे पता चला आप लोगों के थ्रू, क्योंकि मैं ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, तो बाद में मुझे आप लोगों के थ्रू पता चला कि आगे तो वीडियो में वॉइस ही नहीं है. सो इसलिए मैं बार बार चेकआउट करती हूँ. ओके, सो दिस इज ब्रेक थ्रू एंड पॉलिटिक्स. ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है जोडियक्स में, एक बार आपको बता देती हूँ. कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे जोडियक साइंस यहाँ पर हैं. सप्रेशन की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है. मैं सोच रही हूँ इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बात करते हैं, राइट. चलिए देखते हैं सप्रेशन की एनर्जी क्यों है. सप्रेस तो फील कर रहे हैं, अब सप्रेस क्यों है ये पर्सन, क्या सप्रेस कर रहे हैं देखते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या सप्रेस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर. ये सप्रेस कर रहे हैं अपने सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील. सप्रेस कर कर कोई हील नहीं होता है, है ना. सप्रेस कर कर तो आप हील नहीं हो सकते हो. और यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं. और सप्रेस करने के बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वाइब्रेशंस बहुत लो हो जाती है, लो फ्रीक्वेंसी में पर्सन चला जाता है. यही चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत लो वाइब्रेशंस में, लो फ्रीक्वेंसीज में जा चुका है एंड सप्रेस कर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को. और अब इन्हें जरूरत है सेल्फ लव की, ठीक है. थोड़ा सा सेल्फ लव की जरूरत आपके पार्टनर को है, इनको जरूरत है हीलिंग की. हो सकता है आप इनकी हीलिंग करवा रहे हो सकता है आपने हीलिंग ब्रेसलेट्स पहने हैं, है ना. दीज आर हीलिंग ब्रेसलेट्स ओनली जो मैं जो आप हमसे भी ले सकते हो. दीज आर द हीलिंग ब्रेसलेट्स, आप कहीं से भी ले सकते हो, बट मेनली एनर्जाइज होने चाहिए आपके लिए और रियल ब्रेसलेट्स होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत फेक ब्रेसलेट्स हैं. तो किसी जेन्युइन और सही सोर्स से अगर आप इन ब्रेसलेट को वेयर करते हो ना, ये बहुत वर्क करते हैं आपके लिए. और यहां पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ सप्रेशन की, हीलिंग की. यानी ये पर्सन इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है जहां पर ये हील भी नहीं कर पा रहे हैं खुद को, है ना. ये सेल्फ लव भूल गए हैं, ये खुद को भूल गए हैं. ये इतना ज्यादा इनका फोकस आपके ऊपर आ गया है ना कि अब खुद को भूल गए हैं, पूरा समय आपके बारे में सोचते रहते हैं. और लास्ट 24 आवर्स से तो इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके बारे में सोचने से खुद को रोक भी नहीं पाते. एंड यस, और बाद में इनको फ्रस्ट्रेटेड, थकावट, ड्रेन फील होता है, जैसे इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है. ओके, जब हम प्रेस करते हैं ना अपनी फीलिंग्स को तो ड्रेन करती है हमारी एनर्जी को. फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है. एब्सेंस, ओके. आपके एब्सेंस को बहुत ज्यादा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं. वो फील कर रहे हैं कि जैसे उनमें कुछ मिसिंग है, उनमें कुछ एम्प्टीनेस सी है, ठीक है. कुछ है जो इनकम्प्लीट अभी भी रह गया है. ओके, और वाकई में आप दोनों में अभी भी कुछ है जो अधूरा है, जो इनकम्प्लीट है. चीजें यहाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं अभी. अगर आपको लगता है ना कि यहाँ एंड हो गया है रिलेशनशिप, तो नहीं, चीजें यहाँ पर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है. अभी भी ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं. तो अभी भी यहाँ पर चीजें इनकम्प्लीट हैं और ये अभी भी आपके एब्सेंस को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं. फ्लावरिंग की एनर्जी निकल कर आ रही है. इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ के अबंडेंस थे, आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो. एंड जब से आप गए हो ना, इनकी लाइफ में ना ही अबंडेंस है, ना ही कुछ भी चीजें इनकी लाइफ में सही चल रही हैं. इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर. तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है. ओके, और आप इनकी लाइफ के अबंडेंस थे और इन्हें लगता है कि आपके जाने से इनकी लाइफ की अबंडेंस भी चली गई है. सोल कॉन्ट्रैक्ट गोइंग विद फ्लो, ये पर्सन पता नहीं बट ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं.
जहां पर ये सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलना चाहते हैं। हो सकता है भी रिसेंटली आपके पार्टनर ने कोशिश भी करी है आपसे बात करने की, आपको स्मॉल जेस्चर हाय हेलो का मैसेज हो सकता है भेजा हो, कॉल कर दी हूँ आपको लेकिन आप कॉल पिक नहीं कर पाए या मिस हो गई आपसे कॉल। तो अभी भी रिसेंटली कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ऐसा हुआ है, मे बी सिर्फ 10% लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, बट या हुआ है, मैं वो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इन्हें पता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब एफर्ट्स डाल के भी कोई फायदा नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ हद तक चीजों को ना डिवाइन पर छोड़ दिया है उन्हें, लेकिन हाँ इतना जरूर एहसास है उन्हें कि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, और यस डेस्टिनी आप दोनों को जरूर मिलाएगी। तो इस चीज का एक विश्वास आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है, आप दोनों को इस चीज पर बहुत बिलीफ है। एंड यस आप दोनों के बीच में है सोल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बहुत लेसन्स आपको भी इस रिलेशनशिप से सीखने को मिले हैं और बहुत लेसन्स उनको भी इस रिलेशनशिप से सीखने को मिल रहे हैं। सोल ग्रोथ सेम सोल जर्नी हो सकती है, सेम स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो सकते हो। टर्निंग इनकी एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फॉरगिवनेस। ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, आप फॉरगेट कर दो पास्ट को, आप पास्ट के ग्रजेस अपने अंदर ना रखो। ये अपने पास्ट को ना फेस ही नहीं करना चाहते, जो भी ये पास्ट में करके आए हैं ना ये अपने पास्ट को फेस नहीं करना चाहते हैं। जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपके साथ क्या करा, कितना गलत करा, जब भी उन चीजों के बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं ना, इन्हें खुद से डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, इन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, इन्हें लगता है कि जो भी ये पास्ट में करके आए हैं ना ये वो पर्सन है ही नहीं, पता नहीं कैसे इन्होंने वो चीजें आपके साथ कर दी, कैसे आपके दिल को इतना ज्यादा दुखा दिया और उस शख्स के दिल को दुखाया जो इनसे बहुत प्यार करता था, यू नो। तो ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच भी करे ना तो आप पास्ट की बात इनसे ना करो, ये चीज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को लेकर कोई क्वेश्चन ना करो। एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप पास्ट की बातें इनसे करोगे और ये अभी तक अब उस गिल्ट को अपने अंदर से नहीं निकाल पाए हैं। लेटिंग गो विद डे ड्रीमिंग, यस ये पर्सन आपको लेकर बहुत डे ड्रीम्स करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, दिन रात सोचते हैं और ये लेट गो नहीं कर पाएंगे, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। अबंडेंस विद रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, बींग ऑलवेज फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, आपके साथ हमेशा इन्हें क्लैरिटी मिली है, आपने इन्हें मोटिवेट करा है, इंस्पायर करा है, इन्हें हमेशा अगर इमोशनल नीड की जरूरत पड़ी है ना तो आप इनके साथ खड़े थे और वो चीजें आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। आप अबंडेंस हो इनकी लाइफ की, ब्रेक थ्रू, इनका डैमेज तो हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप को, राइट, आप दोनों हर्ट हुए हो बट कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि आपके पार्टनर जो भी आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है, जो भी गैप आ गया आप दोनों के बीच में, उसको तोड़कर आपकी तरफ आया जाए। तो यस ये गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए अब कुछ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो चीज मैं इनके अंदर देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर वो करेज आ रहा है, वो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सके। पॉलिटिक्स की एनर्जी है यहाँ पर, पॉलिटिक्स तो खेली है, मिस्टेक्स करी है इन्होंने और रियलाइज भी कर रहे हैं उस चीज को कि इन्होंने क्या गलत करा है क्या सही करा है, पॉलिटिक्स की एनर्जी रही है इस कनेक्शन में और उन चीजों के लिए आपके पार्टनर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। यानी पास्ट में अगर ये कुछ गलतियां करके आए हैं, मिस्टेक्स रही हैं इनकी, तो ये चाहते हैं कि आप इनके राइट और रॉन्ग के बेसिस पर इनको जज ना करो, ठीक है, और इनको माफ कर दो और इन्हें एक और चांस दो, ये लिटरली ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर टाइम पीरियड आपको चाहिए तो नेक्स्ट 7 days मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो यस नेक्स्ट 7 days के अंदर कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ बहुत बिग चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 7 days हो सकते हैं या फिर इट कैन बी 1 week जैसे आपको लगता है, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पर अगर देखें, उनके मैसेजेस देखें तो ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इस समय भी आपके साथ आपके पास होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें लगता है आप पहली और आखिरी चीज हो जो उनके दिमाग में आते हो, आपके सिवाय ये कुछ और सोच भी नहीं पाते। यस कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, कार्मिक लेसन्स तो सीख लिए हैं आपके पार्टनर ने, ये चाहते हैं आप इनको समझो, इनकी सिचुएशन को समझो, इनको अंडरस्टैंड करो। हर्ट ये भी हुए हैं, दुखी ये भी हैं, खुश तो ये भी पर्सन नहीं है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है, जिस भी स्टेट में है ना अभी खुश नहीं है, गिल्टी है ये पर्सन जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ करके आए हैं ना उन चीजों के लिए। और इन्हें पता है कि प्यार तो आपके दिल में भी जरूर है इनके लिए, राइट,
चलो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो ये था आज की रीडिंग्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।